अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, स्पेशल एजुकेशन के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एट रिस्क, और इसी से रिलेटेड है रिस्क फैक्टर। ये एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो स्पेशल एजुकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये साइकोलॉजी और मेडिकल साइंसेज में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि एट रिस्क होना क्या होता है और रिस्क फैक्टर क्या होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले एट रिस्क, एट रिस्क इज़ एनी हेरिडिटरी बिहेवियरल एनवायरमेंटल और एनी अदर कंडीशन दैट इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ डिवेलपिंग अ डिजीज और डिसऑर्डर और बींग इन्वॉल्व इन अ डेंजरस सिचुएशन और अ पर्सन वल्नरेबल टू आउटकम डिजीज और डिसऑर्डर। सबसे पहली बात तो एट रिस्क होना होता है कोई भी ऐसी हेरिडिटरी एनवायरमेंटल या बिहेवियरल कंडीशन, या इसके अलावा कोई और भी कंडीशन दैट इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ डिवेलपिंग अ डिजीज़ और डिसऑर्डर, जिसकी वजह से कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाएं, और बीइंग इन्वॉल्व इन अ डेंजरस सिचुएशन, या जिसकी वजह से आप किसी डेंजरस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाएं। ठीक है जी। या उसके चांसेस बढ़ जाएं, डेंजरस सिचुएशन में इन्वॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाएं, और अ पर्सन वल्नरेबल टू आउटकम डिजीज और डिसऑर्डर, या एक पर्सन उसमें डिजीज़ या डिसऑर्डर होने के लिए वो ज़्यादा प्रोन हो, बाकियों के मुकाबले में उसके चांसेस ज़्यादा हों डिजीज़ या डिसऑर्डर डिवेलप करने के। इसे हम उस पर्सन को या उस कंडीशन को एट रिस्क कहेंगे। ठीक है जी। इसमें बिहेवियरल कंडीशन, आप कैसा लाइफस्टाइल अपनाते हैं, आपका लाइफस्टाइल वो हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है। ठीक है जी। तो हेल्दी लाइफस्टाइल के मुकाबले में जिन लोगों का अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है उनके इनमें डिजीज़ या डिसऑर्डर्स स्पेशली डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। बिहेवियरल, इसके अलावा एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट आपका साफ शफाफ हाइजीनिक हो सकता है, वायरस बैक्टीरिया से पाक हो सकता है। ठीक है जी। उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन, ये सब जो एनवायरमेंट की हमें बेनिफिट्स हम हासिल करते हैं एनवायरमेंट से, वो हमें प्योरेस्ट फॉर्म में मिल सकते हैं, और एक जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है उसमें मिल भी सकते हैं और नहीं भी। तो ऑब्वियसली एक पर्सन, उसका अगर एनवायरनमेंट हेल्दी है, वो एनरिच्ड है, तो उसमें उसके मुकाबले में ऐसा पर्सन जिसका एनवायरनमेंट हेल्दी और एनरिच्ड नहीं होगा, उसमें डिजीज़ या डिसऑर्डर के डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसी तरह हेरिडिटरी, कुछ लोगों को विरासतन कुछ डिजीज़ या डिसऑर्डर के जीन्स मिल सकती हैं। ठीक है जी। या कुछ ऐसी कंडीशंस मिल सकती हैं जिसकी वजह से उनमें कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाएं, और कुछ लोग बाय बर्थ वो ज़्यादा हेल्दी हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन्स। ठीक है जी। तो इसे हम एट रिस्क कहेंगे, या आप किसी डेंजरस सिचुएशन में इन्वॉल्व होने के जिस भी वजह से आपके चांसेस बढ़ जाएं, या एक बंदा है उसमें बाकियों के मुकाबले में कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर डिवेलप होने के चांसेस ज़्यादा हों, तो इस बंदे को हम एट रिस्क कहेंगे। उस कंडीशन को, उस पर्सन को, उस सिचुएशन को एट रिस्क कहेंगे। ठीक है जी। अब इसी से रिलेटेड रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर इज द जेनेटिक बिहेवियरल सोशल और फिजिकल फैक्टर दैट इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग अ डिजीज और डिसऑर्डर। डिजीज, डिसऑर्डर या डेंजर सिचुएशन में इन्वॉल्व होने के चांसेस को बढ़ाने वाली चीज़ जो है, वो जो फैक्टर है, वो बिहेवियरल भी हो सकता है आपका लाइफस्टाइल वगैरह, हेरिडिटरी भी हो सकता है यानी फिजिकल हो सकता है वो कोई वायरस बैक्टीरिया या कोई जीन्स हो सकती हैं। ठीक है जी। वो सोशल हो सकता है यानी इन्वायरमेंट से कोई ऐसा फैक्टर हो सकता है। ठीक है जी। और इसके अलावा वो कोई सोशल फैक्टर हो सकता है, सोशल या इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है जो डिजीज डिसऑर्डर होने के चांसेस को बढ़ा दे। ठीक है जी। उस फैक्टर को, उस चीज़ को, उस कंडीशन को हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो उसके पेरेंट्स जो हैं वो स्किज़ोफ्रेनिक है, दोनों पेरेंट्स स्किज़ोफ्रेनिया से सफ़र कर रहे हैं, यानी जिसे हम आम जुबान में पागलपन भी कहते हैं। ठीक है जी। तो स्किज़ोफ्रेनिया से सफ़र कर रहे हैं उनके बच्चे और एक नॉर्मल पेरेंट्स के बच्चे, तो किस में स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होंगे? ऑब्वियसली हम जानते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया, इसके हेरिडिटरी फैक्टर्स काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश्ड हैं कि ये जीन्स में ट्रांसफ़र होती है। या इसके अलावा अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लें डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ हो तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को भी डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पेरेंट्स। नॉर्मल से मुराद
जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनके मुकाबले में ऐसे पेरेंट्स जिनको डायबिटीज़ है या ऐसे पेरेंट्स जिनके पेरेंट्स जिनको स्किजोफ्रेनिया है उनके बच्चों को भी स्किजोफ्रेनिया होने के चांसेस ज़्यादा होंगे या डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू दोज चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर फ्री फ्राम दीज डिजीज़ और डिसऑर्डर्स और नॉर्मल। ठीक है जी, तो ये एट रिस्क कॉन्सेप्ट है। एट रिस्क होना क्या होता है, यानी जिसमें आपके बीमार या डेंजरस या डिजीज़ या डिसऑर्डर में इन्वॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा हों, और वो फैक्टर्स जो इसके चांसेस को बढ़ाते हैं उन्हें रिस्क फैक्टर्स कहा जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं एबनॉर्मैलिटी इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी और हैंडीकैप का जो कॉन्सेप्ट है उन्हें डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।